नमस्कार, मैं हूँ शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। प्रेम प्रकाश और पूजा सिंघल के मामले में जितना भी अपडेट है वो लगातार जीएन भारत में हम आपको देते आ रहे हैं। वैसे ये जो आप घर देख रहे हैं ये एनोस एक्का का दिल है। जी हाँ, पूर्व विधायक एनोस एक्का की दिल की धड़कन है। अब आप समझ रहे होंगे हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये ईडी कार्यालय है जो कि पहले एनोस एक्का का बंगला था, अनफॉर्चुनेटली अब ये ईडी का कार्यालय बन चुका है। तो यहाँ पर प्रेम प्रकाश से लगातार पूछताछ जारी है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार पूछताछ जारी है प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी को, उनकी पत्नी और उनको आमने सामने बैठा कर पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी से जो भी पूछताछ किया जा रहा है उनसे वो लोग संतुष्ट नहीं है। जी हाँ, ईडी के जो अधिकारी है वो प्रेम प्रकाश की बातों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, ना उनकी पत्नी की बातों से। क्योंकि कई बार अकेले अकेले में उन दोनों को बैठा के पूछताछ किया गया तो उनकी बातें जो है वो मेल नहीं खा रही थी। इसके साथ ही आज जो निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है ये कहीं ना कहीं तहलका मचाने के लिए काफ़ी है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रेम भैया तो गयो। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार, विशाल चौधरी के बाद अब प्रेम प्रकाश गिरफ्तार होने वाले हैं, गिरफ्तार होना संभव है। सूत्रों के अनुसार जो खबरें मिल रही है प्रेम प्रकाश अब जेल जाना संभव है। और अब जो है कड़ियां और उलझते नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब सीन में पंकज मिश्रा, जी हां, हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, वो जिस तरीके से सीन में वापस आ रहे हैं, उनके खिलाफ FIR का बातें, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है इसमें देखा जा रहा है कि मामला हर दिन एक नया नया मछली जो है तालाब से निकलकर सामने आ रहा है, वो पकड़ा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि प्रेम प्रकाश के साथ क्या होता है। आपको बता दें निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट करते जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में एक और जानकारी दी थी कि हेमंत सोरेन ने उनको न्योता भेजा एक कार्यक्रम का और 2 साल बाद उनको याद आया है कि सांसद मैं गोड्डा का, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को 2 साल बाद क्यों याद आया कि मैं गोड्डा का सांसद हूँ, इससे पहले उनका याददाश्त कहाँ था, आज जब उन पर हमले हो रहे हैं तो मेरे साथ दोस्ती करना चाह रहे, इस तरीके से निशिकांत दुबे ने कहा। लेकिन आपको बताते निशिकांत दुबे ने तुरंत उस न्योता को स्वीकार नहीं किया और कहा कि आपका जो न्योता है आप ही को मुबारक हो, मैं नहीं आने वाला। तो ये देख रहे हैं कि निशिकांत दुबे और हेमंत सोरेन के बीच फिलहाल कोई मेल मिलाप तो होने वाला नहीं है। एक पहल हेमंत सोरेन ने की थी, लेकिन अब प्रेम प्रकाश पे जो गाज गिरने वाली है, देखना दिलचस्प होगा कि वरिष्ठ अधिकारी पूजा सिंघल के पकड़ाते ही विशाल चौधरी, प्रेम प्रकाश, न जाने कितनी मस्तियाँ निकली थी। प्रेम प्रकाश के होटवार पहुँचने के बाद किसी मस्तियाँ निकलती है ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। और ये सारा अपडेट हम आपको जीएन भारत में देते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।